सोशल मीडिया पर रुबीना के एक शब्द का बहुत ज़्यादा जो है बवाल मच रहा है। रुबीना ने एजाज के लिए हबशी शब्द का इस्तेमाल किया। अगर अब हम देखें कि क्या रुबीना ने रेसिज्म को बढ़ावा दिया है, क्यों कहा है रुबीना ने ऐसा और क्या है इस शब्द का मतलब, मैं हिना कुमावत फर्मिंडो पे आपको बताऊंगी। बवाल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि एजाज को हबशी कैसे बोल दिया। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, हबशी और हबशी। हबशी शब्द देखा जाए तो हु हॉग ओवर फूड, यानी कि जो खाने पर टूट पड़ता है, और एक शब्द है हबशी जिसका मतलब है द नेम डिराइव्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड हबशी थ्रू इट्स पर्शियन फॉर्म। सच स्लेव्स फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड बाय द चीफ्स ऑफ मुस्लिम इंडिया स्पेशली इन द डक्कन वर बिलीव टू हैव ग्रेट फिजिकल एंड एबिलिटी एंड अ लैक ऑफ पर्सनल टाइज विच प्रॉम्प्टेड लॉयल्टी, यानी कि गुलाम के लिए जो उस समय का जो बता रहा है हबशी शब्द का जो मतलब है डिक्शनरी मीनिंग में आपको बता रही हूँ, और एक है हबशी जो खाने पर टूट पड़ता है। अब रुबीना ने किस शब्द का इस्तेमाल किया है, हबशी या हबशी, ये जो है जब ऑन एयर होगा तभी पता चलेगा, लेकिन आज ब्रेकफास्ट को लेकर जो है लड़ाई हुई है, जिसमें खाने को लेकर लड़ाई हुई है। तो खाने को लेकर लड़ाई हुई है तो हो सकता है कि रुबीना ने खाने के रेफरेंस में उसी के कॉन्टेक्स्ट में हबशी शब्द बोला हो, हबशी नहीं। तो अब ये देखना होगा, मुझे लगता है कि मेकर्स जो है ये नहीं बताएंगे ना ही दिखाएंगे तो रुबीना ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी ट्रोल करने से पहले या किसी के भी फेवर या अगेंस्ट में बोलने से पहले उस क्लिप को देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने हबशी बोला है कि आप खाने पे टूट पड़ते हो, तो ये सामने वाले का है कि वो कितना खाए, क्या खाए, कैसे खाए। और अगर उन्होंने हबशी बोला है तो ये उनसे गलती हुई है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर रुबीना ने इस पर बोला क्या है। लेकिन एजाज खान को उन्होंने एजाज के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच रहा है। तो आप क्या इस पर कहना चाहेंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।